नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोख हम आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मार्केट में नींबू बहुत ही अच्छा आ रहा है, तो चलिए आज बनाते हैं नींबू का एकदम रसीला अचार। इस रेसिपी का नाम है खट्टा मीठा नींबू का अचार। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 15 नींबू, जिसे मैंने धोकर पोंछ लिया है। अब इसे कटिंग करेंगे। मैं एक नींबू का 8 पीस में कटिंग कर रही हूँ, आप चाहो तो 4 पीस में भी कर सकते हो। नींबू का सारा बीजा निकाल लेंगे। 10 नींबू का कटिंग कर लिया है और 5 नींबू का रस निकाल लिया है। अब नींबू के अंदर ये रस और 2 चम्मच नमक डालकर मिक्स करेंगे। अब 10-12 दिन के लिए ढक्कन लगाकर रखेंगे और हर दिन नींबू को चम्मच से ऊपर नीचे करते रहेंगे। देखिए 10 दिनों में नींबू अच्छे से गल चुका है। अब बनाते हैं अचार। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, उसमें डालेंगे 3/4 कप चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर चाशनी बनाएंगे। देखिए चाशनी बन चुकी है। अब इसमें डालेंगे नींबू। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच सौंफ पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद कर रहे हो तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो। देखिए नींबू का अचार तैयार है। अब गैस को करते हैं बंद। ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। खट्टा मीठा नींबू का अचार खाने को तैयार है। ये अचार माठी के साथ बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, तो आप भी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।